वैक्सीन का जो अगला हमारा वो दौर शुरू होने वाला है उसके लिए सारी मॉडलिटीज सारी फॉर्मेलिटीज का को प्रोसेस कर रहे हैं। अभी तक तो रजिस्ट्रेशन का उसका प्रोसेस होगा और रजिस्ट्रेशन के साथ फिर उसको किस प्रकार से हमारे को वैक्सीन कितनी उपलब्ध होगी और किस प्रकार से उसको आगे हम रेगुलेट कर सकते हैं ताकि किसी प्रकार की कठिनाई किसी को ना हो, तो इस सारी चीज़ के लिए मुझे लगता है कि एक दो दिन के अंदर सारी फॉर्मेलिटीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद फिर आगे बढ़ करके उस पर काम करेंगे। हमारी कमिटमेंट है कि हिमाचल प्रदेश में फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये वैक्सीन लगाने के लिए जो निर्णय किया है उस पर आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे सभी DC डिप्टी कमिश्नर के साथ CMO के साथ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स के साथ अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई और आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हमारी हुई अभी बहुत डिटेल में उसमें डिस्कशंस हुई हैं और यहाँ तक कि हमने वार्ड के अंदर जो है हमारे डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ नर्सिस और उसके बाद सफाई कर्मचारी और उनके साथ साथ में वहाँ पर जो वार्ड बॉय हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन किया है। अंदर का फीडबैक, अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या हो रहा है, उन सारी चीज़ों को लेकर के आज हमने बहुत डिटेल में वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और इस बात का मुझे संतोष है। कठिनाई बहुत है, मुश्किल बहुत है, बहुत बड़ा संकट है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे हेल्थ केयर वर्कर जो है डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ और सब के सब और सारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुस्तैदी के साथ बहुत जो है वो मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और सेवा के भाव के साथ काम कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ और मैं ऐसे में ज़रूर मैं कहूँगा कि जो लोग अपने जीवन को भी संकट में डाल करके इस प्रकार से काम कर रहे हैं, जहाँ उस कोविड के पेशेंट के पास कोई भी परिवार का सदस्य नहीं जा सकता है, रिश्तेदार नहीं जा सकता है, दोस्त नहीं जा सकता है, साथी नहीं जा सकता है, वहाँ साथी बन करके, रिश्तेदार बन करके, परिवार का सदस्य बन करके ये हेल्थ केयर वर्कर, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी जो वार्ड के अंदर कर रहे हैं काम और सब, चाहे वो हमारा वार्ड बॉय है, सब लोग उस प्रकार से काम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से बड़ी कठिनाई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो बेहतर किया जा सकता है वो करने की कोशिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अब जहाँ कोविड के मामले में लगातार बढ़ोतरी हुई है, हम अब फोकस कर रहे हैं कि हम एक तो बेड कैपेसिटी को बढ़ाने का हमने निर्णय कर लिया, 3000 से ऊपर हमने एट प्रेजेंट हमने व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए जो काम किया है उसमें हम काफ़ी हद तक हम सफल हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ऑक्सीजन सभी जगह उपलब्ध हो उस बात के लिए भी हम कर रहे हैं कोशिश। और जहां हम इस बेड कैपेसिटी को 5000 तक हम इसको स्केल अप करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। और मैं ये भी मैं बताना चाहता हूँ, हमने केंद्र से जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो उसकी कमी है, सिलेंडर की जो है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है और उस ऑक्सीजन के सिलेंडर की उपलब्धता के लिए हमने कहा है 3000 की हमने उसमें मांग की है, 3000 सिलेंडर हमको उपलब्ध होते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हमारा काम सरल हो जाता है। अभी मैं कांगड़ा जा रहा हूँ, कांगड़ा में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा परिस्थिति खराब है, उसमें वहाँ बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और बातों को लेकर के मिनिस्टर भी साथ में जा रहे हैं, हेल्थ सेक्रेटरी भी साथ जा रहे हैं और उसके बाद एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। इंटरस्टेट मूवमेंट को कहीं भी रिस्ट्रिक्ट ना केंद्र की ओर से किया गया है ना स्टेट की ओर से किया गया है। हमने सिर्फ इतनी ही बात कही है कि बहुत बड़ी तादाद में हिमाचल के लोग और हिमाचल के साथ में दूसरे लोग जो हिमाचल पर आ रहे हैं, हिमाचल के लोग तो घर आ रहे हैं, अपना घर है, परिवार है, हिमाचल के रहने वाले हैं, उनको रोकना भी संभव नहीं है, रोकना भी उचित नहीं है, लेकिन हमने उनसे विनम्र आग्रह किया है ऐसे संकट में आप जहाँ से भी आ रहे हैं आप आइए, कहीं किसी को कोई रोका नहीं जा रहा है, किसी को परेशान नहीं किया जा रहा, लेकिन मेहरबानी करके एक काम करिए कि आप अगर वहाँ से आ रहे हैं अच्छा होगा आप RT-PCR का टेस्ट करके आएँ, एक बात आग्रह कर रहा हूँ मैं, उनसे निवेदन कर रहा हूँ। और उसके साथ दूसरी बात हमने ये भी कही है कि अच्छा होगा अगर RT-PCR टेस्ट आप नहीं कर पाए उस सूरत में एक बात को सुनिश्चित करें कि अगर आप घर पहुंच रहे हैं तो घर पहुंच करके होम क्वारंटाइन करें, होम आइसोलेशन में रहें और होम आइसोलेशन में रह करके लोगों के बीच में वो संक्रमण ना जाए उस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपना सहयोग दें।